भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त मतदान हो रहा है, हम मतदान करें लोग। इंडिया गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी की सरकार बनेगी और भारी उछल कूद बहुत हुआ है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेताजी कर्ण भूषण सिंह के तौर पर, उनकी प्रत्याशी होने के तौर पर, उनकी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? क्या आपका रसूख जो था, दबदबा था, उसको आगे बढ़ाते हुए कर्ण भूषण आगे दिखाएंगे? कर्ण भूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे और आप अभी पता कर सकते हैं कि उनका व्यवहार, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, नियम से रहना, नियम से उठना, एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ें उससे जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी भी हैं और सीधे हम लोग गांव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो उस आरोप आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे? तो मुद्दे कुछ और रहने वाले हैं यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल की नहीं? देखिए, कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, बृजभूषण सिंह, और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत होगी? बाईफाल मारेंगे और क्या है, बाईफाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी? बाईफाल, बाईफाल, चित। विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? वोटिंग का निशान। नेताजी, 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिंपल यादव यहाँ आई हुई थी, उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के 80 सीट जिताओ और संविधान बचाओ, यानी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो अपनी पार्टी की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, अपनी बात रखने का उन्हें हक है।